तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल, और एडवांस एक्सेल में हम बात करेंगे शॉर्टिंग। एक बार मैं बेसिक शॉर्टिंग के बारे में थोड़ा सा टाइम लूंगा, फिर हम बात करेंगे एडवांस शॉर्टिंग के बारे में। एडवांस शॉर्टिंग, शॉर्टिंग ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो शॉर्टिंग का यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर नंबर या करेक्टर के बिहाफ पे शॉर्ट करना। जैसे कि मैं रीजन के हिसाब से शॉर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि रीजन यहां पे मिक्सअप है, तो मैं मिक्सअप नहीं चाहता। तो अगर आपको किसी एक के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो बस यहाँ पे कर्सर को रखिए और शॉर्ट ए टू जेड कर दीजिए, आपका शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा कहीं के डेटा के अंदर कहीं पे पूरी की पूरी रो ब्लैंक तो नहीं है। अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो आपका उसी से ऊपर का एरिया शॉर्ट होगा, नीचे का एरिया शॉर्ट नहीं होगा। ओके अगर नहीं है बात नहीं, जिस कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, ए टू जेड और जेड टू ए शॉर्ट कर लीजिए। इसका योजना हम ऑफिस में भी करते थे। जैसे मान लीजिए कि मुझे टॉप फाइव क्वांटिटी को लेकर कॉपी करके रखना है, तो हम फिल्टर बाकी चीज ना लगा के सिंपल हम ए टू जेड कर देते थे तो बॉटम आ जाता था, जेड टू ए कर देते थे तो टॉप आ जाता था। फिर यहां से इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। सर लेकिन मुझे शॉर्ट करना है दो फील्ड के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने रीजन के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया तो क्या हुआ, यहां पे रीजन सिक्वेंसली आ गए लेकिन हमारे प्रोडक्ट सिक्वेंस नहीं है। मैं चाहता हूं कि रीजन हर रीजन का उसका प्रोडक्ट भी सिक्वेंस रहे, तो यहाँ पे शॉर्ट हो फर्स्ट लेवल का और सेकेंड लेवल का ए शॉर्ट। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, शॉर्ट में कस्टम शॉर्ट में जाता हूं, कस्टम शॉर्ट, और यहां पे हम रीजन को सिलेक्ट करते हैं, ऐड लेबल, एड लेबल में यहां आते हैं और यहां हम सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट एंड ओके कर देते हैं। यहां देखिए पहले एसी आया, फिर उसके सीआरएन का प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद एशिया पैसिफिक में प्रोडक्ट वन है, और ऐसे ही आप देख रहे हैं नीचे तक भी आ रहा है। हेलो, सर एक चीज बताइए, अगर नल हो मतलब कोई ब्लैंक वैल्यू हो तो उसको एक ही बार में कैसे हटा देंगे? क्या बोल रहे थे सर राम जी? मैं ये कह रहा था सर कि जैसे अगर आप इसमें नल वैल्यू भी हो तो एक ही बार में शॉर्ट और नल वैल्यू कैसे हटा देंगे? मतलब ब्लैंक फोटो मैं, हाँ, जैसे कि आपने बोला कि आपके डेटा में कई सारे ब्लैंक रो है इस तरह से, अब मुझे सारे ब्लैंक को डिलीट करना है।
अभी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल आई कर रहे हैं क्या, ऑल्ट आई कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस से इंसर्ट होता है, ऑलराइट, रो एंड कॉलम जो भी सिलेक्टेड है। अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो फिल्टर लगा के बहुत सारे लोग डिलीट करते हैं, बट फिल्टर लगा के डिलीट करने से क्या होता है कि डेटा अगर बड़ा हो तो दो प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम रहती है कि आपकी तो बड़ी स्लो वर्क करेगा क्योंकि पूरा डेटा नीचे से ऊपर की तरफ मूव होता है, आपको स्लो होगा। दूसरा, पीछे का बैकग्राउंड का डेटा जो है आपका वो भी डिलीट होने के चांसेस होते हैं कई सारे क्राइटेरिया में। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को सलाह देता हूं कि आपको जस्ट क्या करना है, शॉर्ट करना है। कैसे, किसी भी एक के अकॉर्डिंग, इसे मान लीजिए कस्टमर के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर दीजिए, तो ये आपका ब्लैंक सेल जितना था वो डिलीट नहीं हुआ, वो नीचे मूव हो गया। अच्छा, नीचे मूव आ गया तो आपके लिए डिलीट ही हुआ ना सर, एक तरह से समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ डेटा में मंथ को ऐड कर दिया, मंथ जैन फैब इस तरह से। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर मैं मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट करूंगा, मंथ के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट, फर्स्ट आपने खाली रोज रखी है, कॉलम पूरा का पूरा करना पड़ेगा, उससे मतलब नहीं है, कस्टम शॉप जा रहा हो गया ना, वो दिक्कत था थोड़ा सा, वो हैंग हो गया था। तो यहाँ पे मैंने मंथ को सिलेक्ट किया और इसको शॉर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इसमें अप्रैल पहले आ गया, फिर अगस्त आया, तो ये आपका अल्फाबेटिक शॉर्ट हुआ है, ना कि आपके कैलेंडर के हिसाब से शॉर्ट। लेकिन मुझे शॉर्ट करना है कैलेंडर के हिसाब से, तो कैलेंडर के हिसाब से शॉर्ट करने के लिए मैं यहां कस्टम शॉर्ट पे आऊंगा, मंथ को सिलेक्ट किया और यहां पे कस्टम लिस्ट पे चले आया, ठीक है, कस्टम लिस्ट पे हम आ। अब यहां से मैं मंथ को सिलेक्ट कर लूंगा, जैन फेब मार्च जो भी है, ओके, आ गया सर। ठीक है, क्लियर है जी सर। अगर हमको मंथ वाइज और एक प्रोडक्ट वाइज देना है तो दो चीजें आ गई है ना, दो जैसे मंथ वाइज, हाँ तो नहीं आई अंडरस्टैंड, तब यहाँ पे ऐड लेवल कीजिए और अपना प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आपका फर्स्ट लेवल होगा मंथ, उसके बाद सॉर्ट होगा आपका प्रोडक्ट या जो भी आप सिलेक्ट करें, ये अपने आप जैन वाले में ले लेगा, हाँ जैन के अंदर में सीआरएम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, इस तरह से सॉर्ट होगा, ओके। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब डेटा को देखते हैं तो अपने हिसाब से उसको हाईलाइट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्वांटिटी में, हम लोग कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ हाईलाइट कर देते हैं, जैसे क्यूसी लोग आप करते रहते हैं, हमें कुछ अलग लगता है या फिर हमारा कुछ कलर कर देते हैं। अब मुझे सारे कलर वाले एरिए को ऊपर में या नीचे में मूव करना है, शॉर्ट जब होता है तो पूरा डेटा ऊपर नीचे जाता है, याद रखिए, ऐसा नहीं कि आपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया फिर क्वांटिटी का ऊपर नीचे होगा, नहीं, वो पूरा का पूरा डेटा ऊपर नीचे करेगा, समझ गए। अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक ऊपर नीचे करेगा, लेकिन तो सर एक चीज बताइए, जैसे आपके इतने सारे कॉलम्स हैं और मैं खाली क्वांटिटी पे शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पूरी शीट पे करना पड़ेगा या खाली क्वांटिटी पे कर दिया तो चलेगा, जैसे मैंने पूरी शीट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने शॉर्ट किया, जैसे 35 हुआ तो 35 आपको कहीं मान ली सबसे लास्ट में चला जाना है, तो लास्ट में ही जाएगा तो 35 अपनी पूरी डेटा लेके जाएगा। नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है,
मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हम कर सकते हैं कस्टम सॉर्टिंग से भी, लेकिन खाली अगर मैं क्वांटिटी पे क्वांटिटी वाला कॉलम सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, और उसको खाली सॉर्ट कर देता हूँ ए टू जी, तो उस केस में खाली क्वांटिटी क्वांटिटी वाला होगा ना? नहीं, पूरा होगा उसमें, उस केस में भी पूरा हो जाएगा सर जी। अगर सिर्फ क्वांटिटी ऊपर नीचे जाएगा तो फिर डेटा मिसमैच नहीं हो जाएगा? मान लीजिए ना कि यूरोप में 35 सेल हुआ है, अगर ऊपर नीचे हो गया और मान लीजिए कि चला गया 66 वाले में, तो गलत हो जाएगा। आपका रिजल्ट है, मान लीजिए आपने नाम और रोल नंबर रिजल्ट दिया हुआ है, अगर आपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया, नाम ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो किसी का रिजल्ट किसी में चला जाएगा ना सर? नहीं, वो तो ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ जो कस्टम सॉर्टिंग है उसमें खाली जो डिफरेंस आया है वो ये है कि मोर देन वन कॉलम और वो डेट कॉलम, मोर देन वन कॉलम पे हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम एक एरिया सिलेक्ट करके सॉर्ट करेंगे तो हम कस्टम सॉर्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये हाईलाइट वाले बताइए सर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। रंजन जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर, समझ रहा है। अब यहाँ पे हम कस्टम शॉर्ट पे आते हैं। अब कस्टम शॉर्ट पे आते हैं, यहाँ पे मैं पहले से रीड कर देता हूँ। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा मैं, कि यहाँ पे माय डेटा हैज अ हेडर क्लिक है, अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम ए बी सी डी इस तरह का दिखेगा। अगर आपका एबीसीडी दिखा, इसका मतलब है कि आपका कॉलम का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो आपको कॉलम का सिलेक्शन यहाँ करना होगा। ठीक है, ओके कर दीजिए। अब इसमें मैं सॉर्ट करना है मुझे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और यहाँ सेल वैल्यू की जगह पे हम अपना सेल कलर लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पे अपना जो कलर वलर सेलेक्ट करना है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। इस केस में अगर सर बहुत सारे कलर्स करके सारे आएंगे ना, वो दिखाएगा वो? हाँ, यहाँ पे सारे दिखाएंगे, लेकिन वन बाय वन एक बार में एक ही शॉट होगा। हाँ हाँ, नेचुरल। और अनसॉर्ट करना हो तो सर क्विकली बिना यहाँ पे जाए? नहीं, अनसॉर्ट नहीं होता सर इसमें, सॉर्ट कंट्रोल जेड कीजिए, नहीं तो कंट्रोल जेड से नहीं हुआ तो फिर छोड़िए। यहाँ पर आके हटाना पड़ेगा सर, मतलब जैसे शीट पे मैंने एक बार कर लिया और एक बार सॉर्ट आपने कर लिया तो वापस किसी और के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो पैसे जैसे पहले जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन में हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, समझ गया सर? जी सर, समझ तो गया, बट ये थोड़ा सा पहले तो हम देखो, बाय डिफॉल्ट तो कुछ भी सॉर्टेड नहीं था हमारा, फॉर एग्जांपल ये कैसे प्रोसेस तो वो एक्सेल वो कैसे बता देगा बाय डिफॉल्ट क्या था, वो सॉर्ट कर दिया क्रम में था मुझे। आपको किसी और का अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, वरना ऐसा ही जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट पता लग सकता है, जैसे हमने एक चीज बनाई पहले कि कुछ सॉर्टिंग हो रखी है नहीं हो रखी, बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे ना कि सॉर्टिंग हो ही नहीं रखी, ये कह सकते हैं सर? नहीं, ऐसी एक्सेल के पास ऐसा कोई रीड नहीं होता है कि बाय डिफॉल्ट था क्या। जैसे कि आपने यहाँ पे 20 लिख दिया और इसी के ऊपर आपने 30 लिख दिया, तो 20 वापस थोड़ी आएगा। नहीं, वो तो मैं समझ गया सर, लेकिन चीज यहाँ भी है, एक बार शॉर्ट हो गया तो वापस अनशॉर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं, वो एमएस एक्सेस में होता है अनशॉर्ट करने का, इसमें नहीं होता है। क्या होता है सर? होने का एमएस एक्सेस डेटाबेस में। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब सोच समझ के हमको करना पड़ेगा कि करें ना करें, पहली बात तो यही है ना। ऐसी आपको दिक्कत होती है तो आप एक लास्ट में सीरियल नंबर डिफाइन कर लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। बाद आप जैसे मुझे शॉर्ट करें, बाद में आप सीएल में पार्टी शॉर्ट कर ले, अनशॉर्ट हो जाएगा आपका। हाँ, ये ठीक है, ये दिस इज अ गुड आईडिया। या शॉर्ट में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कस्टम शॉर्ट में, कि यहाँ आप सिर्फ सेल कलर नहीं, इसकी फॉन्ट कलर की टेक्स्ट कलर उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा, कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं।
जैसे कि हमने एमआरपी के ऊपर, जो हमारा एमआरपी है, इस एमआरपी के ऊपर हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और यहां से मान लीजिए हमने ये आइकन ले लिया, क्लियर। अब हम शॉर्ट इस आइकन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, सॉरी कस्टम शॉर्ट क्वांटिटी के जगह पे हम एमआरपी लेते हैं और सेल कलर के जगह पे यहाँ पे फॉन्ट और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन लेते हैं एंड ओके। आगे हाँ सर, सर एक चीज बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने जो येलो वाला मार्क किया है ना, तो जैसे लेट्स सी कि एक 20 वाला 20 रो भी है वो भी येलो है, तो अगर जब मैं सॉर्ट करता हूँ कलर पे तो ये सबसे पहले आ जाएंगी ना, मतलब जो जो है ये तो नहीं 20 वाले पे ही रहेगा, नहीं आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, डेटा पर ऊपर आ जाएंगे ना, ठीक अब उसके बाद हम शॉर्ट कस्टम शॉर्ट पे हम बात कर रहे हैं कुछ और चीजों के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ रीजन का अकॉर्डिंग या नेम का अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि रीजन में कुछ नाम हमारा कैप्स में हो, कुछ नाम हमारा स्मॉल में, बस समझे, कैप्स लेटर एंड स्मॉल लेटर। तो शॉर्ट जब करेंगे तो वो अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होगा, इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अंदर यहां केस सेंसिटिव को डाल दिया तो क्या होगा, केस सेंसिटिव करके डाल दिया तो क्या होगा कि यहां पे आपका जो है वही आएगा, जो कैप्स लेटर है वो एक जगह हो जाएंगे, स्मॉल लेटर है वो एक जगह हो जाएंगे, ठीक है सर। हेलो, हाँ जी सर। अब इसमें और आता है, अभी हमने टॉप टू डाउन का शॉर्ट किया, क्या हम लेफ्ट टू राइट को शॉर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, लेफ्ट टू राइट को भी शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम डेटा बनाते हैं नेम, और यहां पे अब देखिए हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया जो कि गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने का दिक्कत क्या हुआ कि अगर हमने किया तो ये भी अपना मूव जगह से मूव हो गया, देखा सर आपने। तो हमने क्या किया, हमने इसको सेलेक्ट किया। अभी आप विक्रम जी देखेंगे सर, मैंने डेटा को अनसॉर्ट कर दिया तो मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल जेड हमेशा प्रेस नहीं हो सकता ना। तो सही आपने नहीं सोचा कि सर को पता है अनसॉर्ट करने का, बता नहीं रहे। तो यहां हमने सेलेक्ट किया और यहां पे हमने लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर लिया और यहां पे रो वन एंड रो टू को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारा ऊपर अकॉर्डिंग शॉर्ट, क्लियर है। इस केस में आपने रो वन सेलेक्ट किया खाली ना? हाँ, रो वन सेलेक्ट किया ताकि ऊपर से सॉर्ट हो और नीचे वाला अपने आप एडजस्ट हो गया फिर ना सेल। जब जाएगा पूरा, जैसे पूरा कॉलम के ऊपर नीचे जाता है ना, ऐसे यहाँ भी आपका पूरा का पूरा इस तरह से उठ जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और एक चीज बताने जा रहा हूँ, उस पर आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि तो बहुत दिन से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिया है, तो थोड़ा सा आप भी दो रात में माता सर पीटो कि कैसे होगा। तो एक हमारे पास कि हम जो है हमें क्या है कि हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना,
एवरी रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। तो ऐसे मैनुअल करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सीरियल नंबर लिया और सीरियल नंबर को हमने सीरियल नंबर यहाँ पे लिख दिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। राइट सर। और इसके बाद हमने यहाँ पे कस्टम शॉट में सीरियल नंबर को लिया और शॉट कर दिया। लेकिन उससे पहले हमें इसको एक बार और रिपीट करना होगा नीचे की तरफ। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझिए। पहला आपका ए है, राइट, कि आपका डेटा ए है, वन है हुआ। तो जब शॉर्ट करेंगे सीरियल नंबर अकॉर्डिंग तो दोनों वन इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि वन सिर्फ अकेले नहीं जाएगा, पूरा का पूरा रो लेके जाएगा। डेटा है तो डेटा, नहीं तो ब्लैंक लेके जाएगा। तो ये यहाँ नीचे क्या करेगा, इस तरह से डाल देगा। आप हम सीरियल नंबर को डिलीट कर देंगे तो एक एक डेटा और एक ब्लैंक। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोडक्ट में सर्विसेज जो है तीन बार है। जब मैं शॉर्ट करूंगा तो तीनों सर्विसेज इकट्ठा हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तीनों सर्विसेज जब आएगा, सिर्फ सर्विसेज तो ना ही आएगा, पूरा का पूरा डेटा लेके आएगा अपना जी। तो ऐसे मेरे पास वन दो बार रिपीट है। एक वन पे हमारा डेटा है और दूसरे वन जो नीचे जो कि मेरा है हमारे पास, इसको मैं रिपीट किया हुआ है, उसमें ब्लैंक है। तो जब ये सॉर्ट, जब हम इस सीरियल नंबर अकॉर्डिंग जब सॉर्ट करेंगे तो वन जो है जो ऊपर वन के नीचे आ जाएगा। लेकिन वन सिर्फ अकेले तो नहीं जाएगा, वो अपना पूरा रोल लेके जाएगा, हो या ना हो। समझ गया। करेक्ट करेक्ट। मुझे भी कर दिखाने दीजिए। हाँ हाँ। तो क्या होगा, यहाँ नीचे ब्लैंक हो जाएगा। देखिए आपके सामने में सॉर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि तो ब्लैंक वगैरह होता है, कस्टम शॉट, और मैंने सीरियल नंबर को ले लिया। एक वन आया और दूसरे वन अपना पूरा ब्लैंक लेकर आ गया। ओके। दूसरा वन आया, फिर दो दो आया, फिर दूसरा दो जो है ब्लैंक लेके आ गया, फिर तीसरा है तो तीसरा ब्लैंक लेके आ गया। अगर मान अभी ये सारे ब्लैंक को डिलीट करेंगे तो हाँ नहीं, फिर सीरियल नंबर को डिलीट कर दीजिए। ब्लैंक को डिलीट करने के लिए तो किसी एक के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दीजिए सारे ब्लैंक नीचे। समझ गया। थैंक यू। अब आपको इसी में तीन ए, दो रो नहीं तीन रो ऐड करने हैं, मतलब दो रो ऐड करने, मतलब कि एक में दो ऐड करने हैं। तो इसी को आप दो बार कॉपी पेस्ट कर दे, नीचे एक बार और कॉपी पेस्ट कर दे। तो जितना बार वन टू थ्री फोर रिपीट होगा उतनी रो ऐड हो जाएगी। समझ गए विक्रांत गुप्ता जी? यस सर। Yes. आपको इसी में थोड़ा सा एडिशन करना है। क्या एडिशन करना है, कि मुझे हर एक रो के बाद नहीं, मुझे हर तीन के बाद या पांच के बाद ऐड करना है एक ब्लैंक। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे मान लीजिए ना कि आपका डेटा है, उस डेटा में आपका मान लीजिए कि कुछ ऐसा डाला हुआ है कि सीरियल नंबर माने कि टोटलिंग का, मुझे हर पांच के नीचे टोटल ऐड करना है। अब जब मेरे पास ऐसा है कि मेरे जो नाम है, मैं काम करता हूं, अगर मुझे ऐसा चाहिए
डेटा है और इसको अब मैंने इसको शॉर्ट किया नेम के बाद। अब यहां पे मुझे हर अमर के नीचे एक रो ब्लैंक करना है और यहां पे टोटल लिखना है, जैसे डेट के नीचे फिर यहां पे टोटल लिखना या कुछ ऐसे और इनिशियल दे रहे हैं। आ समझ गए? तो मेरे है कि यहां पे हालांकि इसका तरीका और भी है, लेकिन मुझे ये समझ लीजिए कि हर तीन के बाद एक ब्लैंक रो ऐड करना है, एवरी थर्ड के बाद। समझे? जी। ये आप करके मुझे दीजिए, इसका कोई तरीका ढूंढिए और मुझे भेजिए।